मौलवी साहब से स्टार्ट नहीं करने वाला आज ठीक है मगर मैं मैं, मैं आऊँगा आपके पास फिक्र नहीं करें जी इधर किनके पास है माइक जी जी क्या नाम है आपका राबिया जी राबिया आप क्यों आई इधर मैं आपके पहले भी मैंने रावल पिंटी सेशन दिया था तो आपने थ्री सेवन नाइन का फार्मूला हमें दिया था तो उस फार्मूले पे मैंने काम तो किया अलहमदिल्ला टू होने वाले हैं तो उसको आगे लेके चलना है तो आज आपको इस प्रोग्राम के बाद भी इन शह पकड़ूँगी और उसी के हेल्प के लिए मज़द कुछ क्वेश्चन है लेकिन वो मैं इनशाला बाद में करूंगी और कुछ मेरे इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आप यूनिवर्स की बात करते हैं जब तो उस, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है के एक हदीस में के मुताबिक है ठीक है आपने सवाल का जवाब देना है आपने बताया कि आप यंग रेवल्यूशन का हिस्सा हैं जी। जी हाँ, है। और माइक किसी और को दीजिए जी हसीब के आस कौन है किसी हाँ जी जल्दी करना है ताकि मैं जरा सेशन शुरू करूँ असलाम क्लैरिफाई कर रहा हूँ की मेरी अठारह साल उम्र है मैं अठारह साल में इस्लाम इस्लामैने लाया हूँ लेकिन राजा उमर बिन खताब पहले दिन ईमान लाए थे तो मेरा और उनके माल का उस दिन क्या डिफरेंस था क्या नाम है आपका मोहम्मद उजैफ़ा मतलब पहले दिन ही उन्होंने उम्मत को और सल्लम को काबिल भी लिया था नमाज पढ़ने के लिए पहले दिन ईमान की इतनी अल्लाह का तारुफ इतना था और मैं अठारह साल का को और मैंने इतना जिगर नहीं है कि मैं किसी को गुनाह से देखूँ और मैं हाथ से रोक पाऊँ बल्कि मैं दिल में भी बुरा जानने बस इसे आगे जानने से सोचता हूँ सो बार जेफा असल मैंने बिन खत्ताब का जो जिगर था ना उसके लिए दुआ की थी नबी नबीम ने कि इसका बहुत जिगर है मुझे ये चाहिए समझ रहे इतनी बड़ी स्किल है जो कि हमने लेनी है करज असल में हम ना दरपोक माँ बाप के जब बच्चे होते हैं ना हजार हजार साल दुनिया में रहने के लिए आते हैं जो उनमें करज नहीं आ सकते हजार साल जिंदा रहने की सिर्फ एक ही टेक्निक है कि रेडार से बच के नीचे नीचे से निकल लो वो तो आपको तो जीटी रोड पे भी नहीं आना चाहिए था इधर भी गाड़ियां एक्सीडेंट से मर सकता बंदा और यही इकबाल ने अपनी वो नज्म है ना मां पढ़ी किसी ने किसी ने पढ़ी है इकबाल की नज्म मां नहीं पढ़ी सीरियसली इसने उसका आखिरी शेर सुनाए हाँ जिस पे वो ख़त्म करता है ना एक माँ अपने बच्चे को